अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसला। जैसे कि आपको मालूम है, नादरा के अंदर एक लेटेस्ट जॉब आई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि इंटरमीडिएट वालों की थी। आज की वीडियो में मैं आपको इसके टेस्ट के हवाले से बताऊंगा कि इसके टेस्ट कब स्टार्ट हो रहे हैं, आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका इसके अंदर नाम है या नहीं है, और साथ में मैं आपको इसका सिलेबस के बारे में बताऊँगा, और सिलेबस के साथ मैं आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगा कि इसका जो टाइपिंग का टेस्ट है उसकी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप गूगल के ऊपर क्या लिखेंगे, और आपने यहाँ पर टाइपिंग अपनी स्पीड चेक करनी है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली जॉब के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं और आपको हम मुकम्मल तरीका सिखाते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके इसके अंदर दो टेस्ट होंगे, एक आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर आपका एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा। इसके वाले से आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी आपको मैं यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है पीडीएफ के ऊपर, आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके सामने एक सिलेबस आएगा जो कि नादरा वाले ने आपको खुद बताया वेबसाइट के ऊपर कि ये वाला सिलेबस आपने तैयार करना है, तो आपका टेस्ट इसी में से होगा। आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना है और साथ में यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा जो कि आपके डिस्प्ले यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ऊपर इस तरह का पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ को आपने टाइप करना होगा। इसके 20 नंबर होते हैं, अगर आपके 10 नंबर आ जाएँ तो आप इसमें से पास हो सकते हैं। तो नीचे आप देख लें, इंटेलिजेंस आपका सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज में से आएगा, इंग्लिश में से आपका आएगा, उसके बाद जनरल साइंस है। ये वाले जो सब्जेक्ट हैं आपने लाजमी तैयार करने हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा पैटर्न। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने देख लेना है। तो ये तो आपका टेस्ट है, जिनको कॉल आएगी, जिन्होंने अपना स्टेटस चेक करना है, उनकी डेट आएगी, वहाँ पे उन्होंने देख लेना है कि उनकी कौन सी डेट है जिनका उनका वहाँ पे टेस्ट होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जो स्टेटस चेक करना है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है और आपकी डेट वगैरह क्या है। ऊपर आप अपना यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आपने अपना ई मेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आई एम एन आर रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसको चेक स्टेटस के ऊपर करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आएगी, उसके ऊपर स्टेटस लिखा होगा, पेंडिंग होगा या डन होगा, साथ में लिखा होगा कि आपकी कौन सी डेट को आपका टेस्ट है। तो टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ आपने टाइपिंग स्पीड को कैसे यहाँ पे चेक करना है। इसके लिए आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है यूनिक कोड टाइपिंग। आप इसको लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे टेस्ट आ जाएंगे। आपने कोई भी टेस्ट ओपन करके अपनी टाइपिंग स्पीड देख लेनी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। तो इसके लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट आएंगे जो कि यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है, उसको आपने देखना होता है, उसको आपने टाइपिंग करना होता है। इसी तरह नादरे के अंदर भी ये सेम इसी तरह पैटर्न होता है, आपने यहाँ पे देख लेना है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है लैपटॉप के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर आपने यहाँ पे टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इसका रिजल्ट चेक करना है कि आपकी स्पीड क्या है। तो ये आपको बता देगा कि आपकी कितनी स्पीड है, आपने देखनी है, आपने स्पीड को अच्छा करना है और साथ में एक्यूरेसी के साथ करना है। इसके 20 नंबर होते हैं, 20 में से अगर आपके 10, 12, 14 नंबर आ जाएँ तो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होती है। तो नादरा में जो सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है। एमसीक्यूज़ बिल्कुल आसान होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होती है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। तो टाइपिंग अगर आप बढ़ा लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, फिर आपका इशू नहीं होता। तो ये वाला स्टेटस आपने चेक करना है, अभी कुछ दिनों में यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।